नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत चुनावी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की एंट्री हो रही है। ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से छत्तीसगढ़ का दौरा शुरू हो रहा है। पीएम मोदी की प्रदेश में अभी तक 3 दौरे की घोषणा हो चुकी है। पहला दौरा आज होगा। पीएम मोदी कांकेर में आज चुनावी रैली करेंगे। कांकेर की रैली के लिए पीएम दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से 2:40 पर कांकेर पहुंचेंगे और जहां चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद शाम 4:40 पर वो वापस रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 4 नवंबर को एक बार फिर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आएंगे और इस बार वो दुर्ग में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 14 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी रायपुर में एक रोड शो भी करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2, 4 और 14 नवंबर को रोड शो होगा। नरेंद्र मोदी के 3 चुनावी दौरे अलग अलग जगहों के, और ऐसे में कांकेर में पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। आज से प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत है छत्तीसगढ़ के, जहां प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे, रायपुर एयरपोर्ट 2 बजे के बाद। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जब भी पीएम छत्तीसगढ़ आते हैं तो बड़ी सौगात लेकर आते हैं। इस बार क्या है पीएम के पिटारे में, ये देखना खास होगा। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले जब छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर ट्वीट किया था तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की तारीफ की थी और कहा था कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और परंपरा है, यही तो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाती है। और इन तमाम चीजों के जरिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि आगे भी छत्तीसगढ़ के अच्छे नेतृत्व की कामना करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज तय है और इसके बाद वो 4 नवंबर को एक बार फिर आएंगे छत्तीसगढ़, जहां वो दुर्ग में जनसभा करेंगे। हालांकि 14 नवंबर को मोदी का रोड शो होगा रायपुर में। तो 13 दिन में पीएम मोदी के 3 दौरे। कांकेर में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा होगी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी 3 चुनावी दौरों में नजर आएंगे और उनका अलग अलग दिन चुनावी दौरा होगा। 14 नवंबर को रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम पीएम मोदी का, और शुरुआत भी पीएम मोदी के चेहरे से ही चुनावी दौरों की। युगल तिवारी संवाददाता रायपुर से साथ जुड़ गए हैं। युगल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 दिन में 3 दौरा बहुत ज्यादा खास, और ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जोरों पर है। ये बिल्कुल, देखिए 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आए थे, उसके बाद अब तक का ये आज का अगर हम दौरा शामिल करें तो 13वां दौरा होगा। और अगर 2023 के दौरे की बात करें तो 2023 में 5वां दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसके बाद बैक टू बैक लगातार वो छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं और 14 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कांकेर में एक महती चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि आज बीजेपी बहुत है, कयास ये लगाया जा रहा है कि अहम घोषणाएं हैं वो कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे उससे 10 साल, लगभग 10 साल पहले कांकेर आए थे और आज प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो कांकेर आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता में, बस्तर में पूरी तरह से प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग ललायित हैं, उनसे सुनने के लिए लोग ललायित हैं। खास करके बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों में काफी उत्साह है वो देखा जा रहा है, आम लोगों में भी ये उत्साह देखा जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति बस्तर के रास्ते से जाती है तो किस तरह के वहां पर माहौल बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां की है उसे साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। और बिल्कुल, और देखिए ऐसे में देखना होगा कि पीएम के दौरे के बाद क्या संदेश जनता के बीच पहुंचता है। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, वो भी 13 दिन में 3 दौरे देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सीएम शिवराज के तूफानी दौरा जारी है। सीएम शिवराज आज टीकमगढ़ में रोड शो और जनसभा करेंगे। इसके बाद पृथ्वीपुर विधानसभा के मोहनगढ़ में भी जनसभा करेंगे। इसके बाद सीएम पन्ना पहुंचेंगे, देवेंद्र नगर में जनसभा करेंगे, फिर सतना के रैगांव में जनसभा करेंगे, फिर रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ कमलनाथ भी प्रचार में पूरा जोर लगाए हुए हैं। सागर के खुरई में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो एक तरफ जहां टीकमगढ़ में शिवराज सिंह चौहान हुंकार भरेंगे, तो दूसरी तरफ कमलनाथ का तूफानी प्रचार, दम दिखाएंगे कमलनाथ, सागर में जनसभा करेंगे। दो अलग अलग जगहों पर आप आज देखेंगे बड़े चेहरे बीजेपी के, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े चेहरे आप देखेंगे। कमलनाथ के नेतृत्व में इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस है, और लगातार ये कहती आई है कांग्रेस की बीजेपी को इस बार हटाना ही है, और तमाम तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। और इस बीच कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही राजनीतिक दलों का ये दौरा, देखने वाली बात है। वहीं राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद की जाति का पता नहीं और जाति के नाम पर देश में आग लगाना चाहते हैं। एमपी में 20 साल में 3 मुख्यमंत्री और तीनों ओबीसी के ही रहे हैं। प्रहलाद पटेल जो कि नरसिंहपुर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, केंद्रीय मंत्री को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है और बड़ा बयान उन्होंने दिया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति का आरोप लगाती है। इसी को लेकर प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी खुद की जाति का पता नहीं और देश में आग लगा रहे हैं धर्म और जाति के नाम पर। तीन ही मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, और आने वाले 25 साल में जो अमृत काल हमारा है उसको भारत माता को दुनिया में सिरमौर बनाना और मध्य प्रदेश को भारत में सिरमौर बनाना। और संयोग देखिए, वो तीनों पिछड़ी जाति के कुमारी हो और साहब हो या शिवराज, ये बात मुझे इसलिए कहने पड़ी कि एक राहुल गांधी नाम के प्राणी हैं जो पूरे देश में मसाल लेके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पर, जिनकी खुद की जात का पता नहीं है वो पूरे देश में आग लगाने का काम, उनके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा। तो सुना आपने प्रहलाद पटेल का क्या कहना था, उनकी खुद की जाति का पता नहीं और देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। जाति को लेकर कई बार आपने बयान पहले भी सुने होंगे, जो राजनीतिक चेहरे हैं उनकी जुबान से जाति को लेकर तरह तरह के बयान सामने आते हैं। और इस बार जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हमलावर बीजेपी पर रहती है जाति को लेकर, उस पर जवाब प्रहलाद पटेल का सामने आ गया और उन्होंने सीधा राहुल गांधी से ही पूछ लिया है कि आपकी जाति क्या है, यानी उन्होंने कहा कि खुद की जाति का पता नहीं और आग लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव से पहले उठते हैं जोरों पर, जिनकी चर्चा होती है, और अब जाति का मुद्दा मध्य प्रदेश में उठ गया है। अनुराग श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जाति का मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में जोर पकड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी का जब मध्य प्रदेश दौरा हुआ था तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी मध्य प्रदेश में। यदि कांग्रेस सरकार में आती है तो मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना करके उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे कि किस जाति का कौन सा व्यक्ति और उसका कितना अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसी जातिवाद के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने खुद राहुल गांधी की जाति को लेकर अब सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर
में एक जनसभा के दौरान कहा है कि राहुल गांधी की खुद जाति का पता नहीं है, लेकिन वो जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जातियों को बांटने के लिए आग लगाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस बात को लेकर भी जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में लगातार तीन जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ये सभी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर कांग्रेस एक तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश में और जातिवाद के मुद्दे को हवा दे रही है। तो कुल मिलाकर जातियों के नाम पर अपनी राजनीति सेकने की कोशिश मध्य प्रदेश की राजनीति में नजर आ रही है। कांग्रेस एक तरफ जहां जातिवाद जनगणना कराए जाने की बात कर रही है, तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के नेता अब कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से जाति और तमाम चीज़ों को लेकर एमपी की राजनीति अब चरम पर देख रहे हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आगे भी आप सुनते रहेंगे। लेकिन सतना से बड़ी खबर आ रही है, विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार की गाड़ी पर पथराव का मामला सामने आया है। समर्थकों की गाड़ियों पर भी पथराव हुए हैं। पथराव में दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, गाड़ियों के कांच टूट गए हैं। चित्रकूट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं नीलांशु चतुर्वेदी, पुलिस ने एक युवक को इसमें गिरफ्तार भी किया है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से पथराव की वजह से गाड़ी के शीशे टूट गए हैं आप देख सकते हैं। हालांकि जनहानि हो सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची है। सवाल ये कि आखिर वो लोग कौन है जो इस तरीके से पत्थरबाजी कर फरार हुए हैं एक युवक को, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आगे की जांच जारी रहेगी पुलिस की तरफ से, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर मंशा क्या थी पत्थरबाजी के पीछे की। सतना से एक खबर, जहां समर्थकों की गाड़ियों पर पथराव हुआ है, पथराव में दो गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और खबर दुर्ग से आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक ही दिन में करीब 64 लाख का सामान जब्त किया गया है, जेवर समेत कैश भी बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए वाहन चेकिंग की जा रही है, जेवर समेत कैश बरामद किया गया है। और देखिए, क्योंकि वाहन चेकिंग लगातार जारी है तमाम बॉर्डर्स पर, तमाम जगहों पर, चुनावों से पहले पुलिस मुस्तैद है, पुलिस चेकिंग कर रही है। और अब 64 लाख का सामान पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें कैश और जेवर दोनों ही है। खबर धमतरी से है, जहां पर बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। गांजा तस्करी करते एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। साइकिल से गांजे की तस्करी आरोपी कर रहा था। बिरेझर थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, और यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर और गांजा दोनों को ही बरामद किया है। और इसी के साथ भारी मात्रा में ये गांजे की तस्करी करता था, बेचता था गांजा साइकिल पर, ये जाकर बेचता था गांजा। और चलिए एक नजर हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चुस्की पर।